नमस्कार किसान साथियों, एम टेक ब्लॉक में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे सोहिल 50-15 ट्रैक्टर का, जो कि ये 50 HP और 15 गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है, जो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देता है ये ट्रैक्टर। और इसका ओवरऑल लुक देख रहे हैं आप, देखते हैं इधर से, आगे से, साइड से। यहाँ पे साइड पे जो है LED लगाया है कंपनी ने, जिससे कि ट्रैक्टर का लुक काफ़ी बेहतरीन हो जाए। और वहीं आगे से देख लेते हैं, आगे जो है 4 दिए हुए हैं हैलोजन बल्ब, और यहाँ पे सोहिल्स का ब्रांडिंग लगा हुआ है। जाली भी काफ़ी बड़ा बड़ा दिया हुआ है, जिससे कि ट्रैक्टर काफ़ी कूल होकर चले। और इसमें जो है इधर से देख सकते हैं आप, इधर सोहिल्स कंपनी भी लिखा हुआ है इधर भी, और 50-15D लिखा हुआ है। और जो है इसका यनमार्क कंपनी जो है जापानी टेक्नोलॉजी इसमें है, इस ट्रैक्टर में, जो कि जापान की कंपनी से बनाती है। और वहीं देख सकते हैं इधर, आइए बात कर लेते हैं कुछ पिछले हिस्से की। तो देख सकते हैं इसका पीछे से लुक कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पे साइड इंडिकेटर उटर देख रहे हैं आप। और वहीं देख सकते हैं इसमें जो है ग्रीस करने के लिए दिया हुआ है वहाँ पे, जो पिछले पहिए में, इसमें पूरा सियाल नहीं भरा होता है, कुछ पॉइंटेज होते हैं ग्रीस पॉइंट करने के लिए इसके एक्सल में। और यहाँ पे दोनों तरफ दिया हुआ है एडजस्ट करने के लिए इसका हाइड्रोलिक। इसमें जो है 2000 लिफ्टिंग कैपेसिटी है इसकी हाइड्रोलिक की, और जैक वाला सिस्टम दिया हुआ है साइड में, जिससे कि इधर उधर ना हो कोई टायर में लड़बड़े ना। और इसमें 3 लिंकेज दिए हुए हैं हर और रोटावेटर इम्प्लीमेंट को एडजस्ट अपने हिसाब से चलाने के लिए, मिट्टी के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से मिट्टी है उस प्रकार से जो है चला सकते हैं। इसका सेंसिंग जो है काम करेगा तीनों पे, और हिच को भी एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक, अपने काम के हिसाब से आप इसको काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है 45 HP का PTO दिया हुआ है, जो कि 2300 रेटेड RPM पे 540 RPM PTO देगा हॉर्स पावर। और वहीं देख सकते हैं इसमें डबल वाल्व दिए हुए हैं MB प्लाव वगैरह चलाने के लिए, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और वहीं यहाँ पे दिया हुआ है इसको ऑपरेट करने के लिए, जो कि काफ़ी बेहतरीन सिस्टम दिया है कंपनी ने इसे अलग से मेरे हिसाब से देकर, जो कि काफ़ी आरामदायक होता है ट्राली वाली ऑपरेट करने के लिए। इसका हाइड्रोलिक भी काफ़ी मजबूत है, और देख सकते हैं पीछे सपोर्ट दिया हुआ है। और वहीं बात कर लेते हैं इसका जो है सिंगल पीस का बोनट है, जो कि सिंगल पीस में आता है। और इसमें जो है देख सकते हैं आप डबल जैक लगाया है कंपनी ने, जिससे कि बोनट काफ़ी आसानी से ऊपर हो जाए। और देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट, और जो है ये जिस प्रकार से सोनालिका का इंजन होता है उसी प्रकार से इसमें भी इंजन दिया हुआ है, जो कि जापानी टेक्नोलॉजी के साथ है इसका इंजन, जो 50 HP का जो है इसमें इंजन है, और जो 3000 CC का इसमें इंजन लगा हुआ है, जो जापान की कंपनी है इसको काफ़ी बेहतरीन दिया है प्रदर्शन ने। और वहीं देख सकते हैं इस पर जो है वो दिया हुआ है वाटर कूलेंट, यहाँ पे टैंक दिया हुआ है अलग से, और पीछे यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोलिक के लिए टैंक अलग से दिया हुआ है, जिसमें स्टीयरिंग ऑयल पड़ता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है, जिससे कि आपका लाइफ बढ़ जाए। इसके वजह से जो है आपका स्टीयरिंग का ऑयल अलग रहेगा, और उसका पंप भी अलग रहेगा, उसको भी हम दिखाते हैं आपको। वहीं इसमें जो है यनमार्क जो है देखते हैं, और ये देख सकते हैं आगे दिया हुआ ड्राई टाइप सूखा हुआ एयर फिल्टर। हम यहाँ पे आगे बैटरी बॉक्स दिया हुआ है बैटरी रखने के लिए, यहाँ पे बैटरी रखने के लिए दिया हुआ है। और ये जो है सूखा हुआ एयर क्लीनर, जिससे कि काफ़ी अच्छा बेहतरीन हवा ट्रैक्टर के अंदर जाए, जिससे कि इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन हो और काफ़ी लंबे समय तक आप काम कर सकें। और वहीं देख सकते हैं इसमें जो है 3 सिलेंडर का माइक्रो बॉस कंपनी का पंप दिया हुआ है, जो कि सोनालिका ट्रैक्टर में भी इसी प्रकार से पंप आता है। और यहाँ पे वाटर सेपरेटर दिया हुआ है, जिससे कि पंप वम्प में कोई वाटर ना जाए। और सिंगल दिया हुआ डीजल फिल्टर,
जो कि काफ़ी बेहतरीन हो, फिल्टर छन कर जाए। और वहीं इसमें सिंगल पावर स्टेयरिंग दिया हुआ बैलेंस टाइप का, जो कि बैलेंस टाइप का स्टेयरिंग है सिंगल वाला। और वहीं इसके बात करते हैं एक्सल की, तो इसमें जो है सीधा एक्सल दिया हुआ है, नॉन एडजस्टेबल एक्सल है, जो एडजस्ट नहीं हो पाएगा इस ये एक्सल। और वहीं देख सकते हैं इसका बोनट का लुक भी काफ़ी बेहतरीन है सिंगल पीस बोनट के साथ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है डबल टेंडन पंप दिए हुए हैं, हाइड्रोलिक के अलग पावर स्टेयरिंग के पंप अलग दिए हुए हैं। और वहीं देख सकते हैं यहाँ से जो ऑयल इसमें जो आएगा, वहीं जो है यहाँ पे एक फिल्टर दिया हुआ है, ये है इसका मोबिल फिल्टर इंजन का, जिससे कि, और उसी के साइड में दिया हुआ है पंप जो है तेल वाले पंप का फिल्टर, जिससे कि पंप की लाइफ काफ़ी अच्छे रहे, जिससे काफ़ी लंबे समय तक आपका पंप चले। वहीं इसका साइड देख सकते हैं, साइड में इसका इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर का लुक कुछ इस प्रकार LED और यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि काफ़ी नाइट में बेहतरीन लुक देगा ये ट्रैक्टर। वहीं देख सकते हैं इसमें काफ़ी फ्लैट जगह दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा जगह है इसमें बीच में, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे सीट को एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है आगे पीछे, इसको उठाकर आप आगे पीछे सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसी में जो है इसी में साइड गियर दिया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं फुट रेस दिया हुआ है। बात करते हैं इसके पिछले टायर साइज़ की, तो इसमें जो है 14x28 का टायर साइज या 16x दोनों ऑप्शनल में है, ले सकते हैं आप, जो कि अपने काम के हिसाब से। ये पिछला टायर साइज़ था। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। और बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो इसमें 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। कुछ डिजिटल मीटर का लुक कुछ इस प्रकार से है, जो काफ़ी बेहतरीन डिजिटल मीटर भी है इस कमर में दिया हुआ, जो कि सब कुछ इसी में दिखाएगा कि क्या क्या कैसे हो रहा है। और यहाँ पर साइड पर दिया हुआ है आगे वाले बल्ब को LED बल्ब, और जो है हेलोजन बल्ब को बांधने के लिए इधर साइड में हाथ वाला रेस दिया हुआ है। और स्टेयरिंग भी काफ़ी छोटा दिया हुआ है। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। और उसी के जो है नीचे देख सकते हैं यहाँ पे साइड में चाबी के लिए दिया हुआ है चालू करने के लिए। और उसके बाद उसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का चार्जिंग है, उसी के नीचे जो है यहाँ पे गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए चोक दिया हुआ है। और यह सिंगल और डुअल क्लच में दोनों में आता है ये ट्रैक्टर। इसका क्लच का लुक है ऊपर से, ये आपके हिसाब से ले सकते हैं सिंगल या डबल ले सकते हैं इसको। वहीं साइड में गियर दिया हुआ है, लो हाई मीडियम गियर दिया हुआ है, लो और हाई और रिवर्स दिया हुआ है गियर इसमें, जो कि आपको 15 गियर देगा। और यहाँ पे PTO गियर दिया हुआ है 540 RPM, और रिवर्स PTO दिया हुआ है, मल्टी स्पीड रिवर्स PTO। और वहीं इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल में डूबा हुआ ब्रेक दिया हुआ है, जो कि तेल में डूबे हुए ब्रेक हैं, काफ़ी अच्छे ब्रेक हैं, पूरा तेल में डूबा हुआ है, जिसकी लाइफ काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और यहाँ पे दिया हुआ है पैर वाला रेस कारू जैसा, जिसे दबाने में काफ़ी आराम है। और वहीं देख सकते हैं इसमें गियर दिया हुआ है, 5 गियर दिया हुआ है इसमें आगे जाने के लिए। ये जो है 5 गियर दिया हुआ है इसमें, जो है कि अब 10 गियर आगे जाने के लिए और 5 गियर पीछे जाने के लिए दिए हुए हैं इस ट्रैक्टर में, जो कि काफ़ी नया फीचर है। ये गियर इसमें बेसिक दिया हुआ है, जिससे इसका स्पीड काफ़ी तगड़ा होगा। और यहाँ पे जो है कंपनी का ब्रांडिंग लगा हुआ है, पॉज करके आप इसको देख के समझ सकते हैं इसको पूरा। और ट्रैक्टर का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए किसान भैया। तब तक के लिए नमस्कार।